हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइड आज हम इस वीडियो में डीपली एनालिसिस करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में। गाइस ये इंडिकेटर है वो बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। गाइस आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस हम इससे पहले स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का हम बेसिक थियरी समझ लेते हैं कि स्टोकेस्टिक क्या होता है, क्या इनका कैलकुलेशन होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो गाइस हम यहां पर स्टोकेस्टिक की बात करें तो ये मोमेंटम ऑक्सीलेशन है, जो कि किसी भी शेयर का प्राइस जैसे जैसे मूवमेंट करता है वैसे वैसे ये इंडिकेटर भी मूव करता रहता है। इनको गाइस 1950 में जॉर्ज लेन ने इनको आइडेंटिफाई किया था। और गाइस स्टोकेस्टिक मोमेंटम है वो 0 से लेके 100 के बीच घूमता रहता है। 80 के ऊपर का जोन है इनको ओवरबॉट जोन बोलते हैं, और 20 के नीचे का जोन है इनको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। गाइस ये दो लाइन से बना हुआ होता है, परसेंटेज के लाइन और परसेंटेज डी लाइन। परसेंटेज के लाइन को आप फास्ट लाइन भी बोल सकते हो, जिनका कलर ग्रीन होता है, और परसेंटेज डी लाइन को आप स्लो लाइन भी बोल सकते हैं, वो रेड लाइन से दर्शाया जाता है। गाइस हम यहाँ पर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की कैलकुलेशन की अगर बात किया जाए तो इनका कैलकुलेशन सरल है, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करके हमें अपना टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपको रेडीमेड ये कैलकुलेशन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर इनके कैलकुलेशन में जाएंगे नहीं, हम सिंपल ही चले जाएंगे कि इनको लगाते कैसे हैं। गाइस यहाँ पर इनको लगाने के लिए आपको सिंपल ही चले जाने का है स्टडीज़ के ऊपर, और जैसे ही स्टडीज़ के ऊपर जाओगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, इसमें आपको सर्च बॉक्स में लिखने का है स्टोकेस्टिक। जैसे ही आपको अब स्टोकेस्टिक को लिखेंगे आपके सामने ये इंडिकेटर दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यानी कि आपके चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर लग जाएगा। हम गाइस यहाँ पर इनके सेटिंग्स की अगर बात किया जाए तो सेटिंग्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, इनमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो पीरियड दिया गया है वो 14 दिन का ही रखने का है, और आप चाहो तो ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है फास्ट लाइन और स्लो लाइन, इसमें आप अपने अनुसार कलर चेंज कर सकते हो, दूसरा कुछ आपको सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हमने यहाँ पर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को लगा लिया है, इनका सेटिंग भी समझ लिया है, अब हम यहाँ पर हम समझेंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो गाइस मैंने जैसे थियरी में आपको बताया था कि ये इंडिकेटर है वो 0 से लेकर 100 के बीच घूमता रहता है। इसमें मुख्यत्व 4 स्टेज होते हैं, एक 20 के नीचे और 20 से 50 के बीच, और दूसरा होता है 50 से 80 के बीच और 100 वाला। हम सभी का मतलब समझेंगे कि सभी पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो जब भी ये इंडिकेटर 20 या 20 से नीचे चला जाता है तो इनको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन, और वो 20 से 50 के बीच जब भी घूमता रहता है तो इनको साइडवेज बोलते हैं। ऐसे मार्केट में गाइज आपको कोई ट्रेड नहीं लेने का, अगर ऐसे मार्केट में आप जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएगा। और जो 50 के 80 का बीच का जो होता है ये इस जोन को बोलते हैं आप ट्रेडिंग वाले जोन। जब भी ये 50 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तब आप अपनी पोजीशन बना सकते हो बुलिश पोजीशन, और जैसे ही 80 के क्रॉस करता है तो इनको स्ट्रांग बुलिश जोन बोलते हैं, वहाँ पर ओवर बॉट जोन भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 80 को क्रॉस कर गया तो यहाँ पर आपको सेल करके निकल जाने का है, इनको बोलते हैं कि अभी तो ओवर बॉट जोन की शुरुआत ही हुआ है, लेकिन ये ऊपर जाके 90-95 पे जाके जब भी रिट्रेस करता है तो वहाँ पे आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनके थ्रू आप बाय सेल कैसे कर सकते हो। तो इनका एक सिंपल तरीका होता है, जब ये 20 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है और जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये गाइस है स्टोकेस्टिक की लाइन, और रेड वाली लाइन है वो 14 दिन का मूविंग एवरेज है और कुछ नहीं है।
तो ये ब्लैक वाली लाइन यानी कि स्टोकेस्टिक वाली लाइन मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर निकलती है, तब आप बाय कर सकते हो। और जैसे ही वो ऊपर जाके फिर से क्रॉस ओवर करती है रेड वाली लाइन को, तो आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह से गाइस, जब भी 20 के नज़दीक वो आता है स्टॉकिस्टिक, तो आप बाय का ट्रेड ले सकते हो। जैसे वो 80 या 80 को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाके फिर से क्रॉस ओवर करता है, तो आप इनको सेल कर सकते हो। गाइस, इस तरह से आप बाय सेल कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। गाइस, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फाइन आओ।